फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम बाद मैं एक बार फिर आ गई हूँ अपने बागीचे में, जहाँ का एक ब्लॉग आप देख सकते हैं कुछ टाइम पहले मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया था, और अगेन इस जगह पे आ गई हूँ। बट डिफरेंस यही है कि अब की बार कुछ चेंजेस हो गए हैं, थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है। तो बैक कैमरे से मैं दिखाती हूँ कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। और एंड फ्रेंड्स, इस बार पालक का साग रेडी हो गया, बहुत ही अच्छा पालक का साग हुआ है। और इसको देखिए, ये आंटी हैं काट रही हैं, और उस पीछे पड़े थैले में हम रखेंगे और घर लेके जाएंगे, ताकि कल कुछ पालक का कोई भी आइटम रेसिपी बनेगी। ये देखिए, पिछले व्लॉग में सरसों उतनी अच्छी तरीके से नहीं ग्रो हुआ था, इतने अच्छे फ्लावर्स नहीं आए थे, बट इस बार ये फूल बिल्कुल पीले पीले हो गए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है, यकीन मानिए देख करके। तो एक ये व्यू और भी एक्साइटिंग, एंथ्रालिंग और बहुत ही अमेजिंग। और नई चीज़ है, मैं आपको एक क्लोज़र लुक देती हूँ। ये है गाजर का पौधा, गाजर का पौधा। जी हाँ, अभी गाजर होने में टाइम है। एक्चुअली आप सभी जानते होंगे कि गाजर रूट होती है, तो गाजर तो मिट्टी के अंदर होगी, बट अभी गाजर उस तरीके का बना भी नहीं होगा, बहुत पतला यानी कि बच्चा सा होगा। तो अभी ये टाइम है गाजर की ग्रोथ में, लेकिन इस खेत में गाजर बोया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इस खेत में गेहूं बोया गया है। गेहूं अभी काफ़ी छोटा है और इसकी सिंचाई भी हो चुकी है, बट अभी छोटा है, गेहूं की ग्रोथ होने में अभी टाइम है। मैं एक व्यू आपको स्पेशली, बहुत ही इच्छा है मेरी कि मैं आपको दिखाऊं, और बिल्कुल मैं दिखा रही हूँ। देखिए ये सनसेट, वीडियो में शायद वो क्वालिटी ना आ पाए, लेकिन अगर इस व्यू को अगर आप आँखों से देखेंगे तो आँखों के साथ साथ हृदय भी तृप्त हो जाएगा। जी हाँ, ये सूर्य भगवान की लालिमा देख करके दिल प्रसन्न हो जाएगा और बस मन करेगा कि देखते ही रहें। बहुत ही अच्छा लग रहा है, फीलिंग अमेजिंग। चीज़ ये है फ्रेंड्स की मटर, ये देखिए, अरे वाह, इसमें तो फलियां भी आ गई हैं। अभी इन फली में मटर उस तरीके का नहीं है, बट आ गए हैं मटर बिल्कुल। देखिए इसमें छोटे छोटे दाने आपको दिख रहे होंगे। तो ये है मटर का पौधा, ये फूल यानी कि मटर फूल ले चुका है। इसमें मटर की कलियां आ गई हैं, छोटे छोटे मटर भी हो गए हैं, और ये देखिए पूरा मटर फूल से लद गया है। ये देखिए, यानी कि अब मटर फलने के स्टेज में आ चुका है। ये है फ्रेंड्स मेथी, मेथी भी देखिए, शायद पिछले वाले ब्लॉग में फूल नहीं आया था इन पौधों में, बट अभी फूल आ चुका है। और ये देखिए, क्लोज़र लुक मैं देती हूँ इस मेथी के पौधे का, और ये देखिए इस तरीके का है कुछ। और हाँ, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगी कि ये जो पतली सी स्टेम, मटर टाइप की ही जो स्टेम है, ये देखेंगे आप तो इसमें क्या है कि यही जब जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा, ये अच्छी तरीके से ये स्टेम भी और मोटी होगी, इसके इसी के अंदर जो मेथी के दाने होते हैं वो इसी के अंदर आएंगे। और इसी तरीके से देखिए ये भी है, इसमें भी मेथी के दाने आएंगे। सिमिलरली इस प्लांट में भी देखिए, इसमें मेथी के दाने आएंगे, ये बड़ा होगा, मोटा होगा और इसी में मेथी के दाने आएंगे। तो इस तरीके से हमें मिलेगी ढेर सारी मेथी इन पौधों से फ्यूचर में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, मैंने ये पौधे आपको दिखाए थे पिछले व्लॉग में, अगर आप पहचान पाएंगे तो ये हैं राजमा के पौधे। लेकिन ये देखिए, ये है राजमे की फली, ये इस तरीके के बिल्कुल मटर की तरह होती है। धीरे धीरे पौधा जैसे जैसे बड़ा होगा, ये फली और भी मोटी होगी, इसमें राजमा के दाने आएंगे, देन ये पौधा सूखेगा धीरे धीरे, ये फली पकेगी और इसमें से पके हुए राजमा के दाने यानी कि बीन्स निकलेंगे। तो इस तरीके से, और ये देखिए एक पौधे में इतनी सारी फलियां लगी हुई हैं, इतनी सारी, तो इतने सारे ये राजमा के पौधे हैं, देख करके बहुत अच्छा लग रहा है और एक्साइटिंग भी लग रहा है। ये मटर है, मटर भी देख लीजिए, वाइट वाइट फ्लावर्स से लत गया है, सो फीलिंग गुड।
किनारे किनारे मेट पे आपने देखा था कि हमने टमाटर के पौधे लगाए हैं, तो अभी है बारी टमाटर देखने की। टमाटर काफ़ी बड़ा तो नहीं है, बट ये देखिए छोटे छोटे टमाटर, हरे हरे टमाटर लगे हुए हैं। और अगर मैं ये थोड़ा सा हटाऊँ तो ये देखिए यहाँ पे नीचे भी इतने सारे, वाह, गुच्छे में पूरे टमाटर फले हुए हैं। सो गुड, तो इतने सारे टमाटर हैं, भगवान करें इन्हें किसी की नज़र ना लगे। ये थोड़े से बड़े साइज़ के टमाटर, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ग्लासी हैं ये। और यहाँ पे भी बड़े साइज़ के टमाटर हैं, गुड। अलग एंगल से मैं आपको सूर्यास्त दिखाना चाहूँगी। ये देखिए पेड़ों के बीच से बिल्कुल लाल सूर्य, वॉट एन अमेजिंग सीन इज इट ना, ऑसम फीलिंग, सो मच गुड। धनिया के पौधे, ये धनिया, इसमें से धनिया पत्ती भी जाती है घर पे। इस टूर के साथ साथ आपको दिख रहा होगा कुछ पीछे बैकग्राउंड में, ये बहुत ही स्पेशल है, मैं इसे आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। और ये है ट्यूबवेल की टैंक, ये देखिए इसमें पानी कुछ दिन पहले चला था, डेट्स वाई इसमें ये थोड़ा सा पानी गंदा हो गया है। ये है बड़ा टैंक, और ये देखिए ये जो बड़ा सा होल यानी कि बड़ा वाला पाइप जो निकला है ना, इसी से भर भर के पानी निकलता है। देन इस रूम में इंजन लगा है, यहाँ से जब इंजन चलता है तो इस पाइप के थ्रू अंडरग्राउंड वाटर आता है, यहाँ से निकलता है, देन इस बड़े टैंक से इस छोटे टैंक में जाता है, देन यहाँ से होते हुए ये देखिए आगे एक वो जो टैंक दिख रहा है, वहाँ से होते हुए आप जहाँ पास कराना चाहें नाली के थ्रू इस तरीके से खेत के साइड जाता है। ये है कुछ स्पेशल, ये है पेपरमिंट की टैंक। फ्रेंड्स हमने पालक ले लिया है, बेसिकली काम यही था। ये देखिए झोले में रखा है और यहाँ आंटी बैठी हुई हैं, तो पालक ले लिया हमने। काफ़ी सारा टूर भी हो गया, अब बारी है घर चलने की, तो चलिए घर और मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।